तो भाया जॉन हमरे उका वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, भाया उनको थैंकू बोलूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा भाया ऑर्डर जारी किया है। उसके बाद भाया हमरा जो सिंध पुलिस के लोगन हैं जॉन भाया बड़ी ईमानदारी से ई कराची का भाया जितना भी फुटपाथ पे ऊ तजावजात ऊ ठेला लगाया है फुटपाथ पे लोगन की जगह है वहाँ पर भाया तजावजात नाजायज तजावजात रखे थे भाया उन लोगन को सफाया कर रहे हो ना, तो भाया हमारी तरफ से थिन पुलिस को भाया थैंकू। इका मतबल ही हुआ कि हमारी सिंध पुलिस बड़ी ईमानदारी से भाया ये सब साफ कर रही है। और हमारा रिक्वेस्ट हुआ है लोगन से भी भाया जॉन लोग भाया जिस इलाके में ये सिंध पुलिस काम कर रही है उका नजायज तजावजात जॉन तुम्हारे फुटपाथ पे उका ठेला लगा लेते हैं पान का खोखा लगा लेते हैं और भाया टायर पंचर का दुकान भी बहुत होता है भाया ऊ टायर पंचर वाला भी भाया ऊ भी भाया हटाया है, तो इका मतबल है कि भाया ये सब लोगन ने गलत लगाया था गवर्नमेंट की जगह है। तो भाया एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है और वो ये है कि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि बेचारे गरीब लोग हैं फुटपाथ पर बैठ के अगर अपनी रूखी सूखी कमा रहे हैं छोटी रोजी कमा मगर छोटा सा इंस्टॉल लगाया हुआ है तो इसमें खर्च क्या है, मकसद गरीब लोग हैं रोजी रोटी उनकी चल रही है, तो आपको नहीं लगता कि गरीबों के साथ थोड़ा सा कुछ नाजायज हो गया? अरे भाया हम जब से ही गोले पे आया हूँ गरीब लोगन के लिए ही बात कर रहा हूँ और कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि भाया गरीब लोगन के लिए उका गलत होगा। लेकिन भाई एक बार बताओ ठेले वाला जॉन ठेला लेके खड़ा है फुटपाथ पे उका टायर पंचर का दुकान किया है वो गरीब है और जॉन दुकान लेके बैठा है भाया उका अमीर है का? उसका क्या मिल फैक्ट्री चल रहा है का? भाया वो भी गरीब है लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि भाया जॉन लोगों ने दुकान लिया है वो किराया देकर और भाया अपनी जगह पर बैठा है, लेकिन ये जितने भी लोगन है जॉन लोग भाया फुटपाथ की जगह किसका होता है? गवर्नमेंट का भाया। भाया गवर्नमेंट का होता है और हुआ कौन चलता है? लोगन। बिल्कुल। और आपको ये पता है कि भाया पूरे कराची में ट्रैफिक अगर जाम होता है तो भाया उसमें ट्रैफिक का जाम होने का वजह लोगन बोलते हैं कि भाया ट्रैफिक के लोगन खड़े नहीं है उसका जाम हो रहा है, लेकिन हमारी नज़र में हमने देखा है भाया जब भी ई तजावजात हटते हैं तो भाया आपने देखा है कितना बड़ा बड़ा ट्रैफिक चलता है। जी बिल्कुल भाया, और काफ़ी जगह पे आपका ये कहना आपकी बातों से मुझे ये एहसास हो रहा है कि वाकई में एक छोटा सा स्टॉल अगर आप बाहर लगा लोगे तो पीछे जो मार्केट में दुकानें लेके बैठे हुए लोग उनके पास ग्राहक कैसे जाएगा, मकसद उन तक कैसे रह जाएगा जो पूरे महीना का किराया दे रहे हैं बिजली का बिल दे रहे हैं अपने तरीके से हक हलाल से बैठे हुए और तो जाहिर सी बात है उनका भी हक जो है वो मर रहा है उनकी वजह से। और भाया आपको एक बात बताऊं, ये कराची माँ लोगन बोलते हैं बहुत छोटा हो गया है, भाया कराची छोटा नहीं हुआ बहुत बड़ा है कराची। अभी ये तजावजा छटने दो फिर देखो भाया ये कराची तुम्हारा बड़ा बड़ा सड़क भी हो जाएगा और ट्रैफिक भी जाम नहीं होगा। और भाया एक बात बताऊं, आप बोलते हो कि भाया ये ठेले वाला बहुत गरीब है, अरे हमने तो ये देखा है ये ठेले वाले का चार ठेला और खड़ा है। जी भाया, भाया इसके घर में तो वो होगा जो तुम्हारे घर में नहीं होगा। और भाया जॉन तुम्हारी सैलरी है ना 15,000, भाया तुमसे ज्यादा कमाता है ही। खैर आपने मेरे राज फाश कर दिए। भाया राज फाश नहीं किए, हम तो सच बोल रहा हूँ। और भाया ये लोगन के अंदर ईमानदारी नहीं होता ई वास्ते ये लोगन गलत जगह पे बैठते हैं, और भाया ईमानदारी अगर होता तो भाया दुकान लेके बैठते उका दुकान का किराया देते। खैर आपकी बातों ने मेरी आज आंखें खोल दी। लेकिन भाया एक बात सोच रहा हूँ, ये पुलिस वाले लोगन फुटपाथ से भाया सब चीजें हटा रहे हैं ठेला भी हटा रहे हैं भाया टायर पंचर का दुकान भी हटा दिया है, अब भाया लोग पंचर कहाँ से बनवाएंगे? क्योंकि भाया जितना भी टायर पंचर का दुकान है वो तो भाया फुटपाथ पे।